नमस्ते स्वागत है आपका इस वीडियो में आज, आज आपका ऑफ उसी के साथ आप इस शायद नए लाइफ से सबसे कर करिए कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं और सारा जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा तो आज हमारे वेबसाइट में जाइए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देगा वहाँ पे जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं सारे कंटेंट को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो अगर नहीं एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर भी आपको जो है नियर अबाउट ट्वेंटी थर्टी परसेंट जो है फ्री कंटेंट रहता है वो आप फ्री एक्सेस कर पाएंगे मंथली मेंबरशिप होता है ईयरली में आई हाईली रिकमेंड यू दैट आप जाके वेबसाइट चेक कीजिए और कंटेंट अगर पसंद आए तो फिर मेंबरशिप लीजिए तो चलिए मार्केट का क्या अपडेट है वो थोड़ा तो सा चेक कर लेते हैं मार्केट और एज यूज आपने देखा तो टेबल टेबल नहीं बेसिकली चार्ट देखेंगे तो आपको डर लग जाएगा भाई वो क्या रहा है मार्केट में बहुत तगड़े लेवल का करेक्शन आ चुका है मार्केट में की वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है फलाना धन बट आपको ये समझना पड़ेगा आर ऑल डिप्स मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा दैट इज परफेक्टली फाइन बट इस तरीके मतलब जो एक होता है ना करेक्शन वो करेक्शन मुझे मार्केट में अभी तो नहीं दिख रहा है मतलब होने के चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि यहाँ पे जो गोरा देसी दोनों, जाए, दोनों जाए, जाए है। जो है दोनों के, के पास बहुत ज़्यादा पैसा है स्पेशली जो डी आई आई है डी आई आई के अंदर आपका ए एम सी है यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड उनके पास इतना लिक्विड सरप्लस कैश पड़ा हुआ है दैट तो दे कैन मैनिपुलेट द मार्केट वेरी इजिली और वो मार्केट को सस्टेन कर रहे हैं बट इंटेंसिकली अगर हम देखें या फंडामेंटली अगर हम देखें तो मार्केट में इतना ज़्यादा वोटिलिटी होना तो कभी नहीं चाहिए डेफिनेटली जब भी आपका मार्केट सेवेंटी थाउजेंड अभी जैसे एट्टी थाउजेंड एटी फाइव थाउजेंड एटी टू थाउजेंड टच करता है सो so, आप बोल सकते हो कि पहले आपका फोर्टी थाउजेंड था ठीक है 4 साल 5 साल फोर्टी थाउजेंड था उसके बाद अभी नियर अबाउट डबल हो चुका है क्रॉस एटी थाउजेंड क्रॉस कर चुका है अभी इस जगह पे वी शुड भी एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है मच्योर है आस्ते आस्ते ग्रो करेगा आस्ते आस्ते नीचे की तरफ आएगा तो ऑलरेडी जैसे हमने देखा कि जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है जिस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है सो so, करेक्शन uh, होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं बट अगेन जैसे मैंने बताया कि फंडामेंटल्स और अभी एक्चुअल जो हो रहा है रियालिटी के साथ साथ फंडामेंटल फंडामेंटल्स का टिपिकली हम कोई कनेक्शन पे देख नहीं पा रहे उसके वजह से आपको ये सिचुएशन देखने को मिलेगा सो

लार्ज कैप कंपनी है वो साढ़े तीन परसेंट वहाँ पर इोशन हो रहा है बैंकिंग सेक्टर में इरोशन हो रहा है और मोरलस <coughs> अगर हम देखें एनर्जी सेक्टर जो है वो न्यूट्रल है और आईटी में भी न्यूट्रल है आईटी उतना इरोजन टिपिकली आईटी सबसे ज्यादा मोनिपुलेट होता है तो हीट मैप भी आप हाँ देख पा रहे हो कि इतने बड़े बड़े कंपनीज में चार तीन चार परसेंट का अगर करेक्शन हो रहा है वो भी एक दिन में दैट इज दैट इज़ नॉट वेरी नॉर्मल ये बहुत ही हीटी abnormal, है बट मार्केट में हो रहा है एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड होल थिंग ऑल निफ्टी 50 जो है आपका 0.85 परसेंट आपके रोजन सेंसेक्स में भी सेम है निफ्टी बैंक जो है वो अच्छा तगड़े लेवल का नियर अबाउट देर परसेंट नीचे की तरफ गिरा है निफ्टी आई डी हैज बिन वेरी फ्लैट निफ्टी स्मॉल कैप जो है वहाँ पे अच्छा इरोजन हुआ है सो मार्केट मार्केट इज बिंग मनिपुलेटेड बहुत तगड़े लेवल का मनिपुलेशन हो रहा है दैट इज परफेक्टली फाइन एंड इसी में जो है हमें गेम खेलना पड़ेगा एंड राइट नाउ दैट इज वॉट सेड दैट इंडिविजुअल स्टॉक्स में मैं देख रहा हूँ आई एम लुकिंग इन टू इंडिविजुअल स्टॉक्स बट आई एम नॉट टेकिंग अ बेट इन इंडिविजुअल स्टॉक्स अभी क्या मैं पर्सनली क्या कर रहा हूं मैं अभी ईटीएफ में कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में मेरे को नहीं जाना है बट ईटीएफ इज समथिंग वेर आई एम एबल टू इन्वेस्ट इन दी इंडेक्स एंड फार्मा निफ्टी में मैंने फार्मा uh, का जो ई टी एफ था उसमें मैंने डाला था तो वहाँ पे नहीं अब सेवेंटी एट परसेंट का मेरे को ग्रोथ मिला है फार्मा दैट इज मोर लाइक तीन चार महीने के लिए मैं होल्ड करके रखा उसमें सेल ऑफ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज उसमें ज्यादा पैसा डाला नहीं था तो अभी अगर मैं सेल ऑफ करता हूँ तो मेरे को वैसा कुछ फायदा नहीं होने वाला है ऑलो वहाँ पे मैं छह परसेंट का पॉजिटिव है दो हफ्ते में मैंने छह परसेंट उठाया उसमें दो हफ्ता या तीन हफ्ता मोस्टेबली होगा तो अभी मैं उसको होल्ड करके रख रहा आई एम सेलिंग इट राइट बिकॉज़ पे जो कैपिटल हाँ मैं डाला हुआ था उसमें से जो रिटर्न आएगा दैट इज वेरी मिनिस्कल सो दैट डजेंट मेक सेंस बट अगेन वही चीज मुझे देखने को मिल रहा है दैट द वे दैट इज वर्किंग आप डिप्स देख पाओगे यहाँ पे आपका सपोर्ट है सपोर्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसी तरीके से जो है मार्केट में डिप्स जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आप गैप डाउन देखो इतना बड़ा गैप डाउन टिपिकली बहुत ही रेयर होता है और ये वो भी ऐसा नहीं कि कोई इंडिविजुअल स्टॉक है ये पूरे निफ्टी फिफ्टी में हो रहा है सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी अभी अगर हम देखें बाइंग प्रेशर इज वेरी लो अभी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है बाइंग प्रेशर यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर था अभी सेलिंग प्रेशर है तो इस जगह पे यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इस एरिया से फिर से जो है बाइंग प्रेशर आते आना शुरू हो जाएगा सो वी कैन अगेन एक्सपेक्ट दैट Uh, कल जो है कल से थोड़ा सा हल्का बाइंग प्रेशर आएगा तो मार्केट थोड़ा सा रिकवर होने के चांसेस है अगेन यहाँ पे जाके थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आएगा यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आएगा दिस इज हाउ द मार्केट इज बिहेविंग राइट नाउ सो अगेन अगे आर दी थिंग्स विच यू नीड टू रिम्बर एंड या अबाउट इट तो चलिए इंपॉर्टेंट न्यूज को जो है चेक करते हैं आज एक्चुअली उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं बनवेस uh, जो टिपिकल न्यूज़ होता है वो मैं कवर करूंगा सो नियर अबाउट सिक्सटी सिक्सटी एट सिक्स सेवन जो है वो न्यूज आपको देखने को मिलेगा हेडलाइंस हैं जो आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा इंडिविजुअल जो इंपॉर्टेंट न्यूज होता है वो भी हम कवर करते हैं और जब भी आप मेंबरशिप लेते हैं तो आप हमारे मेंबरशिप ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं वहाँ पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड यू गेट एक्सेस टू डिफरेंट डिफरेंट मोस्ट ऑफ सो मेबरशिप लेंगे तो फिर आपको वहां पर फायदा होगा चलिए मूव करते हैं uh, अभी जो है जैसे आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट uh, चीज है कि आपका जुलाई का जो डिटेल इन्फ्लेशन है दैट इज ईजिंग टू फाई वे लो विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग बट यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा रिटेल इन्फ्लेशन पांच साल का लो है बट यहाँ पे होलसेल इन्फ्लेशन के बारे में बात नहीं किया जा रहा है इंडिया जुलाई रिटेल इन्फ्लेशन ड्रॉप टू थ्री पॉइंट फाइव परसेंट लोएस्ट इन नियरली फाइव इयर द डिक्लाइन वॉज डिवन बाई शॉफ ऑल इन फूड इन्फ्लेशन बट टिपिकली जो जिस तरीके से आपको मानसून का इशू आ रहा है सो इन्फ्लेशन शुड बी गोइंग अप इन्फ्लेशन शुड बी गोइंग अप अगेन आपके लोकल एरिया में जो फूड प्राइसेस है या सब्जी के प्राइसेस है वो थोड़ा सा आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि द गवर्मेंट इज डेटा बट यू शुड बी ऑलवेज अवेयर ऑफ इट डेटा कैन बी फर्स्ट डेटा कैन बी मनिपुलेटेड सो वी है सिम्प्लीकेशन क्यों होगा कि आपका कंज्यूमर प्राइसेज जो है वो रिड्यूज होगा खर्चा जो है वो रिड्यूज होगा और यहाँ पे एक राहत मिलेगी पब्लिक को और फिर चीज़ों का दाम जो अगर कम होता है तो फिर कंजूमशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा एंड वी कैन वी आर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग जो

अफ्रीका में उन्होंने 2010 में जो एंट्री मारा हुआ था उसके बाद जो है दे आर क्वाइट डूइंग वेल वहां से जो है भारतीय जब इंडिया का जो बिजनेस उसका थोड़ा सा डाउन जाता तो, है तो अफ्रीकन बिजनेस जो है वो सर्वाइव करता है या सस्टेन करता है या सपोर्ट करता है और कभी कभी अफ्रीकन बिजनेस जो है वो नीचे की तरफ जाता है तो फिर इंडियन जो बिजनेस है इंडियन टेलीकॉम बिजनेस उसका जो है वो उसको सपोर्ट करता है एंड राइट नाउ दे आर मूविंग टवर्ड्स यूरोपियन सेक्टर और आपको अगर पता नहीं है सो तो टेलीकॉम में क्या होता है कि टेलीकॉम में अभी हर जगह पर मुनापली है या डोअपली है और uh, कुछ कुछ कंपनीज़ ही वहाँ पे सर्वाइव कर पा रही है एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री में टिपिकली नए प्लेयर्स नहीं आ रहे बिकॉज द एंट्री बैरियर इज़ वेरी वेरी हाई एंड यू नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल टू गेट इनटू दिस सेगमेंट स्पेशली अगर हम uh, देखें टेलीकॉम uh, सेक्टर में पहले अगर टू थाउजेंड टेन भी नहीं बोलूंगा टू थाउजेंड में बहुत सारे प्लेयर्स आए थे एयरसेल था Uh, फिर आपका हज था फिर उसको हज को वोडाफोन ने परचेज कर लिया फिर अलग अलग प्लेयर्स थे टाटा इंडिकॉम रिलायंस कम्युनिकेशन ये सारे सब थे पर अभी मार्केट खत्म हो चुका है एंड यहाँ पे एयरसेल खत्म हो चुका है वोडाफोन इट इज ऑलवेज स्ट्रगलिंग नेटवर्क नहीं मिलता बी एस एन एल का नेटवर्क आपको नहीं मिलेगा आई हैव बीन यूजिंग बी एस एन एल पर्सनली बट उसका नेटवर्क नहीं मिलता है सो इट इज यूजलेस टू बी ऑनेस्ट एंड बट इट इज क्वाइट चीप इट इज वेरी चीप नेटवर्क नहीं मिलता है स्पीड uh, नहीं है कॉल uh, करेंगे बात नहीं कर पाओगे नेटवर्क सिग्नल ड्रॉप करते रहता है सो so, दो ही ऑप्शन है आपके पास जियो और एयरटेल दो अपनी मार्केट में चल रहे हैं एंड वो आस्ते आस्ते आरपीओ को बढ़ा के अपना जो पैसा है उठा रहे हैं सो दिस इज हाउ द मार्केट इज वर्किंग सिमिलर थिंग इज हैपनिंग इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल आप uh, जो है uh, यूरोप में भी देख पाएंगे टी मोबाइल है फिर आपका वोडाफोन है ये दो तीन कंपनी जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं एंड सम मतलब अलग अलग कंपनीज में कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं और अलग अलग कंट्री में जो है वो मर्ज हो के यानी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज होने के बाद दैट इज हाउ दियर वर्किंग दो ब्रिटिश टेलीकॉम जो है वहां पर इसको परचेज करना चाहते हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट फॉर फोर बिलियन डॉलर एंड द एक्शन विल बी फ्राम एलटाइसी इट इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन बी टी सो दिस मार्क्स सेकेंड इंटरनेशनल एक्सपेंशन आफ्टर अफ्रीकाउजेंड टेन में एडवांटेज ये हुआ कि अभी वो डाइवर्सिफाइड

How it is working. So, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, है इंडिया को वो आस्ते आस्ते ग्रो कर रहा है पेट्रोल का डिमांड बढ़ रहा है डीजल का डिमांड बढ़ रहा है और अभी जो है uh, मेनली हमारा इंडिया का अगर हम देखें इंडिया का मेन रिक्वायरमेंट ऑफ फुएल दैर इज पेट्रोल ऑयल एंड uh, वीट मतलब खाने का सामान सब्जी सब्जी तो नहीं होगा बट यहाँ पे जैसे राइस हो गया वीट हो गया वो आपका यूक्रेन वाले बेड से आता है रशिया से भी आता है और फिर जो कोयला हमको चाहिए हमको चाहिए फसल फॉल या नेशनल गैस चाहिए तो वो आपका जहाँ वो आपका रशिया के पास है उड़ान का क्रूड ऑयल है उड़ाल उड़ाल यू आर यू आर ए एल वहाँ का क्रूड ऑयल है उसके पास बीट बास्केट है क्योंकि यूक्रेन कब्जा कर लिया तो यूक्रेन वॉज दी लार्जेस्ट सप्लायर इफ़ इफ़ आई आई नॉट रॉन्ग वो यूरोप को बेसिकली प्रोवाइड करता था यूक्रेन का जो फ्लैग है वो आपका पीला और नीला इसलिए है क्योंकि नीला आपका आसमान है और जो Uh, पीला है दैट इज दैट रेफर्स टू दी दैट सिग्फाइज सिग्नीफाइज दील देर विच इज गोल्डन इन कलर सो यूक्रेन का जो सिर्फ जो आपका फ्लैग है दैट इज ब्लू एंड येलो सो दीज आर दिंग्स दैट यूनिटी रिमेंबर सो यूक्रेन में वीट बास्केट बोला जाता है यूरोप का तो अभी यूक्रेन में हालत खराब है सो so, उस जगह पर डिफिटली दे विल भी सम काइंड ऑफ यू नो कब्जा ठीक है बाई दी रशिया एंड दी यूक्रेन तो वहाँ पे उसका बेनिफिशियरी बेनिफैक्चर सबसे बड़ा बेनिफैक्टर होगा अमेरिका उसके बाद यूरोप होगा फिर उसके बाद इंडिया होगा तो रुपी रूपल में अगर हम ट्रेड करते हैं तो फिर इसमें एडवांटेज ये वी डू नॉट नीड डॉलर बिकॉज डॉलर इज बिंग मोनिपुलेटेड एंड कंट्रोल बाई द यू और ऑलरेडी जैसे आपको पता ही है कि रुपी इज गोइंग डाउन और अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर आपका अच्छा बात है बट अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो फिर आपको जो है ज्यादा पैसा देना पड़ेगा एंड रूपी इज बिकमिंग वेरी वीक एंड डॉलर इज नॉट बिकमिंग वीक और जब तक डॉलर को आप रिप्लेस नहीं कर पाते एज अ इंटरनेशनल और ग्लोबल स्टैंडर्ड करेंसी तो फिर हमेशा जो है यू विल बिकम इन डायरेक्ट स्लेव ऑफ द अमेरिकन सो दीज आर हैपनिंग है और ये बहुत ही अच्छा चीज है जो आपका इंडिया और रशिया के बीच में हो रहा है जो लोकल ए पी आई कंपनी है उनका टॉप लाइन जो है वो आपका सात से आठ परसेंट बढ़ेगा बाय दी ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी नाइन तो, तो रेवेन्यू फॉर डोमेस्टिक एक्टिव ए पी आई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रीडियंस जो आपका रिक्वायर्ड होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बेसिकली आर द रॉ प्रोडक्ट्स दैट इज यूज बाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज टू मेक इधर मेडिसिन टैबलेट हो गया आपका सिरप हो गया इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो वो आपका एपीआई इसको कहा जाता है ज़्यादातर ही आपका चाइना से आता था बट अभी लास्ट कोविड के बाद जो है इंडिया में एपीआई का मार्केट जो है आस्ते आस्ते ग्रो हो रहा है एपीआई का प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है सो वी आर नॉट कम्पलीटली डिपेंडेंट ऑन चाइना सो इसके वजह से आपको क्या देखने को मिला कि लोकल ए कंपनीज का जो टॉप लेन है वो सात से आठ बढ़ेगा बाई उंड ट्वेंटी नाइन इज एक्चुअली वेरी लो बट स्टिल इट इज कंट्रीब्यूटेड टू द इक्रीज डिमांड फर ए डिपेंड बाई द्लोल फोकस ऑन हेल्थ केयर सेल्फ रिलायंस सो ऑलरेडी हम इसके बारे में बात किया तो इंडिया में जो भी एपीआई का काम करे या एपीआई के ऊपर फोकस कर रहे हैं बेसिक रीजा और केपेक्सड बिजनेस जो 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 इन्वेस्ट करेगा वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट करेगा इनिशियल उसको उतना फायदा नहीं होगा दैट इज रीजन वाई योर एल टू सी दट नियर अबाउट सेवन टू एट परसेंट का ही ग्रोथ आपका टू थाउजेंड ट्वेंटी नाइन मतलब नेक्स्ट चार से पांच साल के अंदर आपको देखने को मिलेगा विच इज क्वाइट लो रिलायंस uh, रिटेल जो है वो चौदह हज़ार करोड़ पैरेंट कंपनी से मिल रहा है उसको टू एक्सपैंड प्रेजेंस तो ऑलरेडी हमने देखा था कि आपका रिलायंस जो है उसने आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आपका एलेवन परसेंट अपना वर्कफोर्स को हटा दिया है लोग उसके बारे में बोल रहे हैं खा खा छींची कर रहे हैं सो इट डजन रियली मेक सेंस इट्स अ प्राइवेट कंपनी ठीक है प्राइवेट कंपनी जो उसको मन करेगा उसको प्रॉफिट चाहिए ठीक है उसको प्रॉफिट के लिए जो करना पड़ेगा वो करेगा उस पर आप उसको पॉलिटिक्स घुसाओगे तो इट रियली ड मेक सेंस एंड इट डजन रियली मैटर टू देम बट इट शुड मैटर टू यू इफ यू गेट लूजिंग योर जॉब ट में आपको ये समझना पड़ेगा की अगर रिलायंस जो है अगर टेन परसेंट अपना वर्क फोर्स इट्स नॉटन वर्कफोर्स लुकिंग टू एक्सपैंडी और अपनी जो मार्जिन उसको इम्प्रूव करना चाहते है वही चीज आपको देखने को मिल रहा है एज डेट मतलब वो कर्जा दे रहे हैं ऐसा नहीं कि इन्वेस्ट करें इक्विटी में नहीं कर रहे हैं और कर्जा दे रहे हैं अपने बिजनेस को दिस फंडिंग सपोर्ट्स रिलायंस रिटेल्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान इंक्लूडिंग एक्सपेंडिंग इन टू एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू स्टॉफ फॉर्मेट्स और वही हाँ स्पोक मॉडल में काम कर रहे हैं मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो टीय टू सिटीज है टीयर थ्री सिटीज है विलेजेस में भी नहीं आएंगे टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में आएंगे और वहाँ पे छोटे छोटे जो स्टोर्स मैं ऑलरेडी मैं गया था कुछ दिन पहले और फिर मैंने देखा कि दे आर डूइंग रियली रियली वेल विशाल मेगा मार्ट इज ऑल्सो डूइंग दैट इन्वेस्टिंग दैर बट पीपल प्रेफर रिलायंस बिकॉज उसका ब्रांड विजिबिलिटी है और सेम चीज मतलब आपको चालीस रुपये का माल जो है वो पैतीस रुपये में बेचेंगे ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट अगेन लोगों का ये रहता है कि हम जो है एक मॉल में जा रहे हैं शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं एक शॉपिंग एक्सपीरियंस को वो क्रिएट करें और वो हब इन स्पोक मॉडल के माध्यम से इसको वो कर पा रहे हैं एंड दैट इज वॉट बी एबल टू सी है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली रिटेल के माध्यम से जैसे मैंने बताया था कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे दूसरे कंपनी का माल बेचेंगे फिर उसके बाद Amazon की तरफ वो देखेंगे कौन सा माल सबसे ज्यादा बिकता है फिर उसी का जो है इन हाउस प्रोडक्शन शुरू कर देंगे उसको अपने ब्रांड के नाम पे बेचना शुरू करेंगे एंड दे विल कैप्चर द मार्केट दिस इज हाउ इट वर्क्स? Amazon भी उसी तरीके से जो है मोनोपोली स्लोली एंड ग्रेजुअली कर चुका था

लोगों का हैबिटिट चेंज करना चाहते हैं सो so, वो हमारे पास ही आएंगे एक्सपीरियंस सेंटर के माध्यम से या जो शॉपिंग एक्सपीरियंस जो उनका बेटर होगा उसी के माध्यम से वी विल बी एबल टू कैप्चर द द क्रीम ऑफ ऑफ सोसाइटी दैट सिटी और दैट एरिया नेक्स्ट न्यूज है सूरत के डेवलप uh, सूरत का जो डायमंड यूनिट है उसने आपका ऑपरेशन दस दिन के लिए बंद कर दिया है अराउंड टू हंड्रेड डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग फैक्ट्रीज आर क्लोज इन सूरत सूरत इज द लार्जेस्ट एरिया जहां पे आपका डायमंड का कटिंग और पॉलिशिंग का, का काम होता है टिपिकली आपका बेल्जियम एस्टरडेम ये सब एरिया में आपका जो ऑप्शन ये सारी चीजें होती है और जो डायमंड होता है कर, जो आपका रॉ डायमंड होता है वो टिपिकली आपका अफ्रीका से आता है ज़्यादातर इलीगल होता ज़्यादा नहीं भूलेगा बट बहुत ज़्यादा एक सेगमेंट जो है तो होता है आपका ब्लड डायमंड होता है ब्लड डायमंड का एक मूवी बन चुका है आप देख सकते हैं इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी और वहां पे किस तरीके से डायमंड को इस्तेमाल किया जाता है दो मूवी मैं आपको सजेस्ट करूंगा लॉर्ड ऑफ द वार एंड ब्लड डायमंड जहा पे आपका लियोनार्डो डी कैप्रियो है और आपको यह पता चला किस तरीके से डायमंड के माध्यम से जो है डायमंड टिम्बर नेचुरल रिसोर्सेज के माध्यम से वहाँ पे जो वार है उसको सस्टेन किया जाता है उसको सर्वाइव किया जाता है सो ब्लड डायमंड इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी और वो ब्लड डायमंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका यूरोपियन मार्केट में जाता है ऑक्शन होकर इंडिया में आता है इंडिया में पॉलिश होकर देन इट इज मिक्सड विद दी

Uh, उठाऊ ठीक है तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भाई दट डाउन एम्स टू रिड्यूस इन्वेंटरी लेवल्स एक्सपोर्ट्स एज एक्सपोर्ट्स टू चाइना एंड यूएस आर वेरी स्लो डायमंड प्रोसेसिंग कंपनीज इन सूरत तो डायमंड प्रोसेसिंग इज अ वेरी बिग बिजनेस और वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन इंडिया इज आई थिंक ढोलाकि फाउंडेशन ढोला ढोलाकि डायमंड कृष्णा जो है Uh, हर सब्जी धोला के या बारह हजार करोड़ का जो है इनका नेटवर्थ है so, सो उनका भी जो है फैमिली बिजनेस है सो या इज दी आपने उनको उनके बारे में आपको शायद से पता नहीं है बट यू नो दैट बीच बीच में क्या होता है कि वो मास मैरिजेस वो करवाते हैं फिर आपने देखा होगा कि अपने एम्प्लॉयज को उन्होंने गाड़ी दिया है ये सारी चीजें डेफिनेटली आपने देखा होगा सो यान इज अ गुजराती देर डूंगे फैमिली बिजनेस है इट इज बिजनेस जो क्रीमी लेयर है वहाँ पे आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा दैट दे स्लो डाउन इथ दिजनेस इज वेल दैट शोज दैट जो लग्जरी सेगमेंट है जो बेसिकली नेसेसिटी नहीं है नीड नहीं है वॉन्ट है तो उस सेगमेंट में थोड़ा सा आपको स्लो डाउन देखने को मिल सकता है नेक्स्ट है बी आई इज डूइंग रियली वेल एंड दे आर ट्राइंग टू नैरो लॉसिस एंड सिक्वेंशियली वो जो है अपना क्वार्टर का लॉसेज ने स्लो स्लो डाउन किया है कम किया है स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर डूइंग रियली वेल बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कंपनी टू गो बैंक लास्ट ईयर बट अभी भी नहीं हो रहा है एंड दट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे नीड कैपिटल फॉर एक्सपेंडिचर बट रिसेंटली उन्होंने एफ पी ओ के माध्यम से पैसा उठाया था बट लेट सी आउ इट्स अवाइव्स आंध्र प्रदेश में आपका बी पी सी एल का प्रोजेक्ट हो जाएगा एंड uh, क्योंकि सेंटर का जो है यू नो पॉलिटिक्स इज प्लेइंग अ बिग रोल एंड आंध्र प्रदेश इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ इट सो अभी जैसे पहले मैं बोलता था कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होता है गुजरात महाराष्ट्र कहाँ और क्या होता है गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटका तमिलनाडु और, और कहीं नहीं होता है और टिपिकली यूपी में होता है और अभी आपको क्या देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश विल बी ऑल्सो तो एडिड टू द लिस्ट कट्सी पॉलिटिक्स गुड पॉलिटिक्स वोल्डस का क्वार्टर वन का जो नेट है नेट प्रॉफिट वो फिफ्टी एट परसेंट ऊपर की तरफ भागा हुआ है एंड वी ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग दैट और वही मैं बोल रहा हूँ कि किस द बस्ट आई रियली वांटेड टू गेट इनटू द प्रोसेस ऑफ यू नो मेकिंग मनी दे बट वी वे एक्सपेक्टिंग दैट बट अभी वही मैं देख रहा हूँ कि भाई इट्स टू लेट टू गेट इन दिस बिजनेस एंड मे बी थोड़ा सा जब नेक्स्ट क्वार्टर में हल्का फुल्का जो स्लो डाउन होगा साइक्लिकल बिजनेस है सीजनल बिजनेस है तो नेक्स्ट जब उसका स्लो डाउन होगा तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा मे बी एक साल के लिए दो साल के लिए हल्का मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हम देख सकते हैं ब्लूस्टार है बोलता है और फिर पहाड़पुर रेफ्रिजरे ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज लेट्स आई ट्राई टू फाइंड समथिंग दया बट अभी तो इन्वेस्ट करके फायदा नहीं होगा मिनिस्ट्री विद्रॉज ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल अगेन वही चीज़ होता है कि कभी ला रहे हैं कभी लेके जा रहे हैं सो so, इसके वजह से क्या होता है कि आपका फ्रेम मतलब लॉबीबाजी की वजह से जो है ये नहीं हो पा है एंड दैट शोज दैट द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट दैट ग्रेट यहाँ पे ऑलरेडी वो इलेक्शन के पहले चल रहे थे कि हम लोग ब्रॉडकास्टिंग बिल लेके आने वाले हैं ये बिल लेके आएंगे ले वो लेके आएंगे और यहाँ so, uh, पे उन्होंने खुद ही विदड्रॉ कर लिया सो दैट इज समिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रूपी इज़ वेरी वीक लाइफ टाइम लो एटी थ्री नाइन्टी सेवन पर आ चुका है और एटी फोर टच करेगा सो दैट विल भी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू बी ऑनस्ट फोल कॉस्ट विल गो अप और एक्सपोर्ट ओरिएटेड कंपनीज का जो है बल्ले बल्ले हो जाएगा मार्जिन विल भी इम्प्रूविंग देथ एंड इम्पोर्ट कास्ट विल गो हाई एक्सपोर्ट कास्ट विल भी डेफिनेटली बेटर बिकॉज वहाँ पर आपका जो इनकम है वो बढ़ेगा एंड इन्फ्लेशनरी प्रेसर्स तो आने ही वाले हैं एंड आपका जो रशियन ऑयल का डिमांड आस्ते आस्ते बढ़ेगा जे एस डब्ल्यू स्टील जो है वो आपका एक सौ बीस मिलियन डॉलर जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कंपनी ऑर्स मतलब आपका न्यूजीलैंड है

फ्रेश इंटरबर्ग एलिगेशन ट्रिप अडानी और स्टॉक गिरा है बट अभी डिप है बहुत सारे लोग परचेज करेंगे मार्केट इज अडाइन रिपोर्टेशन रिस्क कुछ नहीं होने वाला है कुछ नहीं होगा अडानी कुछ नहीं होने वाला है फिर से वो बाउंस बैक करेगा अडानी ग्रुप फिर से प्रोमोटर जो है स्टॉक खरीदेगा वो लगेगा सस्ते में मिलेगा भाई उठा इसको अपना जो प्रमोटर का शेयर जो है वो बढ़ाएंगे फिर उसी को डेट पे रखे पैसा उठाएंगे और फिर जो है मार्केट में अब अपना बिजनेस जो है ग्रो करेंगे म्यूचुअल फंड रश टू हॉट सेक्टर्स ड्रॉ कॉशन देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी ए एम सी है बिकॉज देवर लॉट ऑफ मनी दे कैन बिकम क्वाइट यू नो इम्पल्सिव कि हर जगह पैसा डाल रहे हैं पैसा वेस्ट कर रहे हैं और उनका तो खुद का पैसा है नहीं आपका पैसा रिटेल का पैसा है तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा देखना चाहिए मिनिस्ट्री okay, एक्सपेक्ट्स 39 मिलियन टन स्टॉक एट पावर प्लांट बाय अगस्त एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग क्योंकि पावर शॉर्टेज तो अभी होगा नहीं पीक डिमांड तो आएगा फिर से दिवाली सीजन में पीक डिमांड आएगा तो उसके लिए जो है वो अपना कोल का जो स्टोरेज है या आपका बोल सकते हो कि जो स्टॉक है वो उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं रिजर्व स्टॉक जो है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं देख पा रहे मॉनसून का हालत तो यही होगा एंड इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बात किया है एंड दैट्स बॉरिड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस को बता सकते हैं हमारे वेबसाइट मुझे साइन इन कीजिए और यहाँ पे अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर करने के बाद सारा कंटेंट हमारी वेबसाइट का आप एक्सेस कर पाएंगे मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं ईयरली मेंबरशि ले सकते हैं और हमारे वेबसाइट में सारा कंटेंट जो एक्सेस कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कोई भी क्वेश्चन सेक्शन बता सकते हैं